की बेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। इनको हिंदुस्तान में कोई पूछने वाला नहीं है। रंग क्यों? बाहरा रंग बेशरम क्यों नहीं? बेशरम रंग बोल के क्या भगवा रंग? तो मैं तो कहता हूँ सर, ये पाकिस्तान का फ्लैग जो वहाँ का नेशनल फ्लैग है उसको पहने ना, भगवा को पहनने की क्या आवश्यकता है? यहाँ पे तो एक किस्म की ऑटोक्रेसी चल रही है, जहाँ खान मर गया है या जिंदा है। तो दोस्तों, आखिर खान ऐसा क्या करते हैं कि उनकी फिल्म आने से पहले बायकॉट हो जाती है? भाई जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बॉलीवुड खान्स की। खान्स की मूवी आने से पहले बायकॉट ट्विटर पे बल्कि पूरे इंडिया में ट्रेंड शुरू हो जाता है, बायकॉट मूवीज। तो भाई ऐसा करते क्या है ये लोग? देखना तो पड़ेगा, लेकिन उसके लिए मूवी को रिलीज तो होने दो भाई, जाके देखो तो सही। थिएटर में आखिर ऐसा ही किया क्या है? एक पोस्टर पे, एक टीजर पे या एक गाने पे कैसे डिसाइड कर सकते हो कि भाई बायकॉट मूवी? भाई लाल सिंह चड्ढा ने तो सिर्फ एक पोस्टर ही दिया था जब ट्विटर पे ट्रेंड शुरू हो गया था, लाल सिंह चड्ढा बैन। भाई सलमान खान की मूवी के ऊपर ऐसा क्यों नहीं होता? आखिर सलमान खान ऐसे क्या करता है? या आमिर खान और शाहरुख खान की मूवी में आखिर ऐसा क्या होता है जिनका बायकॉट ट्रेंड शुरू हो जाता है? तो जी हाँ, अभी तो पठान मूवी का सिर्फ टीजर, पोस्टर और गाना आया है दीपिका का। भाई बड़ा मस्त गाना है, अगर आपने नहीं देखा तो देखो भाई, बड़ा मस्त गाना है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन इस गाने ने इंडिया में तो बवाल मचा दिया, बोले बवाल सुनामी आ गया। भाई उनके ट्विटर तो छोड़ो, मेन स्ट्रीम मीडिया पे उनके बड़े बड़े लोग बात करना शुरू हो गए, एंकर्स, उनके क्रिटिक्स, उनके जो क्या कहते हैं उनकी उनकी पॉलिटिक्स पार्टी के कुछ नेता भी बात करना शुरू हो गए कि भाई इस फिल्म को बैन होना चाहिए, इस गाने को बैन होना चाहिए। आखिर ऐसा क्या है? खाली दीपिका ने एक बिकनी तो पहनी है, ऑरेंज कलर की बिकनी तो पहनी है, लेकिन वो उसको कहते हैं कि भगवा बिकनी बोला जाए तो वो भी गलत नहीं होगा। कहते हैं कि उसने वो पहना क्यों कलर? तो क्या इसमें ये बात सदाकत है कि वो उसने पहली बार पहना है? नहीं, उससे पहले भी तो कितनी हीरोइनें पहन चुकी हैं, कितने हीरो पहन चुके हैं, कितने भाई इसमें मूवियां बन चुकी हैं। अभी रिसेंटली मूवी देख लो, उसमें कैटरीना कैफ ने पहना अक्षय कुमार के साथ, तो उसमें तो किसने नहीं बोला कि बायकॉट भाई मूवी या कैटरीना कैफ या अक्षय कुमार? खाली पठान ही क्यों? पठान मूवी के पीछे क्यों? क्या आपको क्यों नहीं लगता कि इसके पीछे कोई ना कोई, मुझे लगता है साजिश हो सकती है, या कुछ ऐसी कुछ लोग हैं जो किसी बैठे ही होते हैं कि भाई लाल सिंह चड्ढा आएगी या पठान मूवी आएगी या फिर किसी भी खान की मूवी आएगी, इवन के भाई बॉलीवुड की भी कोई मूवी आएगी तो बायकॉट ट्रेंड शुरू कर दो? लगता है भाई पैसे बहुत मिल रहे हैं इस काम के लोगों को, मुझे तो ये लग रहा है। हालांकि भाई ठीक है, आप करो बायकॉट, आपको नहीं अच्छी लगती आप उसका करो, लेकिन उसको पहले आप जाके थिएटर पे देखो तो सही, उसमें ऐसा क्या है? खाली एक पोस्टर, टीजर, एक गाने से डिसाइड कैसे कर सकते हो भाई आप लोग कि इस फिल्म का बायकॉट करना चाहिए? नहीं, मेरे हिसाब से तो ये बात गलत है। आप मूवी को देखो, उसको ठीक से देखो, अगर आपको लगता है उसमें आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो, ये आपका राइट है, आप कर सकते हो, लेकिन भाई उससे पहले सेंसर बोर्ड भी तो बैठा होता है, उसको भी तो देखने दो, वो भी तो किसी चीज के पैसे ले रहे हैं। अगर उन्होंने इसको प्रूव कर दिया है और सिनेमा के लिए कहा है कि भाई लग सकती है सिनेमा में, जब लोग जाके देख सकते हैं, तो उनकी तो कम अज कम रिस्पेक्ट कर लो, जाके थिएटर में तो जाके देख लो, उसके बाद फैसला करो कि भाई इसको बैन करना है कि नहीं करना। लेकिन नहीं, क्योंकि हमें अपने ट्विटर पे इसको ट्वीट करना है, उसका क्या फायदा होगा? ट्वीट करेंगे लोग, रीट्वीट करेंगे, फॉलो करेंगे इसके ऊपर, भाई यूट्यूब पे लोग वीडियो बनाते हैं, तक के वीडियो बनेगी तो लोग उसको देखेंगे, उनको व्यूज मिलेंगे, सब्सक्राइब मिलेंगे। यार हम भी तो बना रहे हैं, लेकिन हम उसको बैन के ऊपर नहीं बना रहे, हम कहते हैं कि भाई देखो इस फिल्म को, इसमें ऐसा है क्या, उसके बाद बोलो बायकॉट करना है। अगर इस तरह बॉलीवुड की फिल्मों को बायकॉट किया जाएगा तो भाई इतनी मजे की फिल्म हमको कौन देगा? पठान जैसी फिल्म कौन बनाएगा? ठीक है, मैं मान तो इस वक्त इंडियन इंडस्ट्री बॉलीवुड जो है वो थोड़ा सा खसारे में जा रही है, बुरा वक्त किसके ऊपर नहीं आता भाई, लेकिन बुरे वक्त में साथ दिया जाता है, उनकी हेल्प की जाती है। लेकिन ऐसा तो नहीं है बैन शुरू कर दो, हर मूवी को बैन कर दो, हर मूवी से बायकॉट कर दो, लेकिन ये हर बात का हल नहीं होता। मेरे दोस्तों आप मूवी देखो, मैं तो ये आपको मशवरा दूंगा, आप जाओ थिएटर में, थोड़ा सा पैसा लगाओ, मूवी देखो, उसके बाद डिसाइड करो कि भाई बैन करना है कि नहीं करना है, देखना है कि नहीं देखना है। आप अपने सोशल मीडिया पे जा सकते हो, जो आपको बुरी चीज़ लगती है आप उस पर लिखो, अपने फॉलोअर्स को, अपने दोस्तों को शेयर करो कि भाई ये चीज बुरी है, इस वजह से मैंने नहीं देखे, आप भी नहीं देखे। तो ये होता है एक मेन क्रिटिक्स, तो आप अच्छे क्रिटिक्स कीजिए और एक तरीके से कीजिए, तो जिसको कहते हैं भाई आप देखो यूरोप कंट्री के अंदर अवतार जैसी मूवी वहां पे बहुत हिट हो रही है, हालांकि बनाई अमेरिका ने लेकिन यूरोप में चल रही है, यूरोप को छोड़ो पाकिस्तान हिंदुस्तान में फिल्म ने भाई झंडे गाड़ लिए अवतार 2 ने। तो आप देखो इस तरह की फिल्में भी तो बन रही है ना भाई, जो कि साईफाई मूवीज होती है,
क्या बॉलीवुड की तरह हॉलीवुड में भी ये शुरू हो जाता है कि बायकॉट अवतार या बायकॉट टॉप गन या दूसरी फिल्म जो आती है? नहीं ना भाई, लेकिन वो जाके देखते हैं, जो बुरी लगती है वो ट्विटर पे डालते हैं, अपने स्टोरीज पे डालते हैं जो गलत है। ऐसा तो नहीं करते कि भाई बायकॉट ही शुरू हो जाता है। मुझे तो लगता है इसके पीछे भाई कुछ ना कुछ तो दाल में काला है, इसलिए तो बायकॉट ट्रेंड शुरू हो जाते हैं आने से पहले ही। या देखो, आपने देखा होगा ट्विटर के अंदर कि आजकल आप ट्रोल्स तो ऐसे हैं कि बस उनको बस कुछ भी चाहिए, बस ट्रोल्स करना शुरू है। क्रिकेट हो, बॉलीवुड मूवीज हो, ये तो यूं समझो कि उनके लिए एक मास्टरपीस बन चुके हैं। भाई इस पे ट्वीट करेंगे तो लोग हमें लाइक करेंगे, रिट्वीट करेंगे, हमें फॉलो करेंगे। सिर्फ मुझे लगता है सारा चक्कर फॉलोअर्स का है और लाइक्स का है और व्यूज का है, इसलिए ये सारी हरकत की जा रही है। जी मैं तो उसको हरकत ही बोलूंगा भाई, क्योंकि ये हरकत ही है। आपने जब एक चीज को देखा नहीं, आपके सामने खाना आता है, डिश आती है, आप उसको देख के कैसे कह सकते हो कि भाई ये बेकार है? आप उसको खाओ, टेस्ट करो, उसके बाद डिसाइड करो इसमें नमक कम है, मिर्ची ज्यादा है या जल गया है या इसका टेस्ट मजे का नहीं है। आपने जब उसको खाया ही नहीं, देखा ही नहीं, तो कैसे कह सकते हो भाई ऐसे नहीं करना चाहिए? मैं तो ये कहूंगा कि आप जाएं थिएटर में मूवी देखें, उसके बाद डिसाइड करें। कोई भी बॉलीवुड मूवी हो, कोई भी तमिल मूवी हो, आप जाके देखें, उसको देखने के बाद डिसाइड करें कि मूवी को देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए। हालांकि इस वक्त मैं कहूंगा कि बॉलीवुड के ऊपर बुरा वक्त चल रहा है, तो क्या हमें बॉलीवुड का साथ छोड़ देना चाहिए? मैं तो कहता नहीं, क्योंकि उसने हमें भाई बचपन से अभी तक इंटरटेन किया है। आप देखो ना, दिलवाले दुल्हनिया, शोले और हम आपके हैं कौन, और पता नहीं कितनी फिल्में, सुपरहिट फिल्में दी हैं जिनसे हमारा बचपना जुड़ा हुआ है, जिनसे गाने देख लो जिनसे हमारी यादें जुड़ी हुई हैं, हमारा बचपना, हमारी जवानी उन गानों में गुजरी है। तो क्या इस वक्त बॉलीवुड के अंदर बुरा टाइम चल रहा है, तो क्या हम उनके ऊपर तनकीद करें, उनके ऊपर हम जाके ट्विटर पर उनके बैंड मूवी का ट्रेंड के ऊपर जाके हम शेयर करें या उसको हम सपोर्ट करें? मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए। आपके क्या राय, आप भी अपनी राय हमें दीजिए, हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए। आप इस बारे में क्या कहते हैं कि पहले जब तक आप मूवी को देखते नहीं हो तो देखने से पहले कैसे कह सकते हो भाई कि इसको बैन करना चाहिए या इसको इस गाने को हटा देना चाहिए सिर्फ एक कलर की बुनियाद पे? भाई लेकिन ठीक है, मानते हैं कि इसके ऊपर लोगों की छुपी हुई होती है, लोगों की आस्था होती है, चीज होती है इस तरह की चीजें, लेकिन क्या इससे पहले किसी ने नहीं किया? अगर पहले किया है तो पहले उन पे बात होनी चाहिए, उसके बाद इस पे बात होनी चाहिए। तो मेरा तो ये नज़रिया है, ये कहना है। आपका क्या नज़रिया है? अपना नज़रिया बताइए, अपनी राय बताइए हमारे कमेंट बॉक्स में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो हम आपके लाते रहेंगे, और भी वीडियो आने वाली है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।